मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहां से जब मैंने टैक्सी पकड़ी जीएफ कैनेडी एयरपोर्ट के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ आधा एक घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते करते। अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीजा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहां कमा रहे हैं। प्यारा सा बच्चा था, मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसका नाम था गायराटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद, कोई और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है, और अंग्रेजी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में एक बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं नेम वो समझ गया, नेम पूछ रहा है, तो उसे बताया गायराटी। गायराटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीजा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गायराटी कितना कमा देते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूं, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहां जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा हाउ मेनी डेज इन ए वीक यू वर्क, क्योंकि वहां सब 5 दिन काम करे 2 दिन मस्ती करते हैं। बोले ऑल 7 डेज, क्योंकि मस्ती तो वहां के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उसे खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? तो उसने कहा दिस इज माय सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था और उसको 12 से गुणा करूंगा तो 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 44 लाख हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज्यादा, यू हैव अ स्टेबल इनकम, बट इफ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट प्री आई मीन इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो आई एम बाइंग 2 more taxis। मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, ऐसे कैसे होगा, तुम कितने चला लोगे? पर नो आई विल गेट 2 drivers फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड द पर आवर मिनिमम वेजेस इज $10 to $12, तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा और मैं 1 टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी, 2 से 700, 7 दिन चलाएंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको।